Hey guys, what's up? कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनीषा की दुनिया में। अभी हो रहा है रेडी और आ तो अभी गांव वाले घर पे जाना है। यहाँ पे हमारी छुटकी हेलो क्या कर रही है यहाँ पे हो रही है पूजा दी रेडी। Hey guys, देख सकते हो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी और यहाँ पे मैं आईब्रो पेंसिल लगा रही थी क्योंकि मेरा आईब्रो उतना ज़्यादा घना नहीं है। लेकिन हाँ, आजकल तो जिसके घने हेयर भी होते हैं ना आईब्रो, वो भी अच्छे से फिल कर लेता है, एक शेप बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी थोड़ा आवाज़ भी गूंजेगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा आवाज़ चेंज हो चुका है और अभी खाली खाली सारा रूम है, इसलिए थोड़ी देर में मम्मी के पास हम लोग जाने वाले हैं क्योंकि रात में आए थे ना तो मम्मी से मिल नहीं पाए थे क्योंकि मम्मी पापा गांव पे थे और हम लोग आते हैं तो मम्मी रहती तो ही अच्छा लगता है। बट अभी शादी का सब कुछ स्टार्ट थोड़े ही दिन में होने वाला था इसलिए मम्मी वहाँ पर थी और मैं भी जल्दी जल्दी रेडी होकर जा रही थी वहाँ पर क्योंकि स्टार्ट होने वाला है सब कुछ, बहुत ही मज़ा आएगा। अभी यहाँ पर हम ये वाला साड़ी पहने हैं लेकिन इससे क्या है ना कि सब कोई बोल रहा है कि थोड़ा सा ये इसमें पतला लगेगा, सब कोई क्या अभी देखने से लग रहा है और पतले हो गए हैं ना तो लग रहा है ऐसा। फिर हमने यहाँ पे आईब्रो फिल कर लिया और पूजा दीदी भी एक साइड रेडी हो रही थी। बहुत अच्छा लगता है जब अपने घर में शादी होती है, शादी का माहौल होता है और बहुत लोग इंतज़ार भी कर रहे थे ना पापा से मिलने का, तो मैंने पापा से भी मिल लिया था। गाइज, अभी जैसी हमारी आवाज़ आ रही है ना इससे ऐसा लगेगा कि हम रो रो के बोल रहे हैं बट ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारी थोड़ी सी आवाज़ ही ऐसी हो गई है। बहुत ट्राई कर रहे हैं ठीक होने का, मेडिसिन भी ले रहे हैं बट ठीक ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कब ठीक होएगा। बहुत इंतज़ार है जल्दी से ठीक हो जाए, कम से कम शादी वगैरह का माहौल है तो इतना धीरे आवाज आएगा तो और भी चिल्ला भी नहीं पाएंगे ना सुना पाएगा। और यहाँ छुटकी के साथ मिस्टर आज खेल रहे थे, मामा भांजी का प्यार आप लोग देख सकते हो, बहुत मज़ा आ रहा था बनी को खिलाने में। हम लोग तो पूरे रास्ते से ऐसे खिलाते खिलाते आए और हम तो लड्डू को आगे लेके बैठे हुए थे। बाकी उसके बाद से मेकअप वगैरह करने के बाद नॉर्मली आप लोग देखते हो ज़्यादा वैसे हमारा मेकअप होता नहीं है, आई शेडो तक भी हमने नहीं लगाया। हमने सोचा कि चलो दूसरे फंक्शन में लगाएंगे क्योंकि इतना मेकअप डेली होता है हमारा तो ये कुछ हैवी नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को टिप्स चाहिए था दीदी क्या लगाते हो कैसे लगाते हो, तो यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल आई लाइनर लगा रहे हैं लेकिन एक ही प्रोडक्ट देखना है तो आप लोग को दिखाएँगे, बहुत ही अच्छा अच्छा है। और यहाँ आईलाइनर लगा रही थी, थोड़ा सा ये अलग टाइप का आईलाइनर है, पेंसिल वाला लगाने में समझ में नहीं आ रहा था सो यहाँ पे हमने लगा लिया है आईलाइनर। एक आँख में भी आईलाइनर लगाए तो दूसरी आँख में लगाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उल्टा पड़ता है ना तो लग भी नहीं पाता है और टाइम भी होता जा रहा था। यहाँ पर पूजा देवी बनी को खिला रही थी, रेडी हो रही थी और रेडी हो चुकी थी, बस हम लोगों को थोड़ी देर में जो भी नेकलेस ज्वेलरी पहनना था वो पहन के हम लोगों को निकलना था। मुझे तो अभी नेल पेंट वगैरह भी करना था लेकिन मैं सोची कि चलो वहाँ मम्मी के साथ जाके करूँ क्योंकि मम्मी को भी करना पड़ेगा, मम्मी को करना ज़रूरी भी है। पीछे से मेरा बाल थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है जैसे पहले दिखता था, टूटे टूटे बाल हो गए हैं छोटे छोटे इसकी वजह से। और ये वीडियो हमने छोटू से शूट करवाया तो उसका फिंगर वगैरह सारा कुछ आ गया, बस आईलाइनर लग गया अच्छे से और बहुत अच्छा लग रहा है घर आने के बाद। एक ना शादी का माहौल है तो अलग ही लग रहा है। अब हमें लग रहा है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि अब ना इतने अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, हर चीज़ दिखाऊंगी। बहुत लोग बिहार की शादी नहीं देखे तो उनको ये सारा चीज़ ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे दिखाने में क्योंकि हमारे जहाँ पे हरियाणा साइड में बहुत लोग बोल रहे थे कि वहाँ के कैसे होते क्योंकि वहाँ के अलग रीति रिवाज होते हैं, यहाँ के अलग रीति रिवाज है, इसलिए हम सोचे कि चलो अब हर एक एक चीज़ डालेंगे। वैसे बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाल रहे थे लेकिन अब हमने सोचा कि नहीं भाई हर चीज़ दिखाऊंगी। तो यहाँ पे उसके बाद से आईलाइनर लगाने के बाद हमने लगा लिया लिपस्टिक। लिपस्टिक जब भी लगाते हैं ना मेरे दांत में भी लग जाता है, ऐसे कितने लोगों के साथ होता है आप लोग ज़रूर बताना, दांत में लग जाना।
और मैं ज़्यादातर लिपस्टिक लगाती हूँ ना, तो मेरे लिप्स भी थोड़े थोड़े ब्लैक पड़ रहे हैं। तो क्या होता है कि हम लोगों को डेली लगाना ही पड़ता है और मैं उतना केयर भी नहीं कर पा रही हूँ, तो लिपस्टिक लगाने के बाद एक अलग ही चेहरा खिल जाता है। चाहे कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी मेकअप कर लो, लेकिन शादी के बाद एक लिपस्टिक लगाने के बाद ना चेहरा अलग ही खिलता है। वैसे शादी के पहले तो बस टीका हम लगा लेते थे तो लगता था कि वाह कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन शादी के बाद अब लगता है कि नहीं भाई पूरा रेडी हो जाओ लेकिन लिपस्टिक जरूर लगाओ। लिपस्टिक लगाने के बाद पूरा चेहरा का अलग ही चेंज हो जाता है। तो बस आप लोगों को कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा ये वाला वीडियो। और यहाँ मेरा ड्रेसिंग है, सिमी और जेरी दोनों थे जिसकी वजह से हम ब्लॉग नहीं शूट कर पा रहे थे, और मेरे दांत में लग रहा था तो मिस्टर राज देख भी रहे थे पीछे से ही कैसे रेडी हो रही है लड़की पागल कर देगी। यहाँ पे मैं बिंदी लगा ली, अब देख सकते हो बिंदी के बाद फिर मैं ढूंढ रही थी कुछ कुछ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हे गाइस, तो अभी हो गए हैं रेडी। आप लोग देखिए पहले बाल थोड़ा सा सही कर लेते हैं क्योंकि हमने बाल में बस प्रोटीन लिया था, बाकी हमारे बाल थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ स्ट्रेटनर लगा लिए, आवाज़ थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है। ठीक है गाइस, तो हम हो गए हैं रेडी और बस ज्वेलरी वगैरह पहनना है, तो वो वाला लुक थोड़े बाद में आएगा जैसा कि आप सभी को पता है। मेन चैनल पे वो वाला डाल दूँगी क्योंकि ब्लॉग में बहुत लेट हो जाएगा। और अभी अपने ये वाला साड़ी भी रखी हुआ है, इसी फोन का है तो इसमें थोड़ा पतले लग रहे हैं, तो अभी सोच रहे हैं क्या करें, और मेरा आवाज़ भी चेंज हो गया है। बाकी मैंने हेयर का कैरेटिन कराया था तो बाल मेरा थोड़ा सा ना वैसे ही पीछे से धुलने के बाद वैसे ही दिख रहा है, तो देखते हैं। मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, अभी पूजा दी बोल रही है ऐसे ही आपका बाल दिख रहा है, तो देखते हैं। बाकी हमने सिर्फ आगे का स्ट्रेट कर लिया है ये कट वाला बाल, क्योंकि ये ऐसे मुड़ जा रहा था, और थोड़ा सा मैंने बाल भी कट करा लिया था ताकि थोड़ा सा ना आगे बाल बढ़ा नहीं है। खाना पीना बन गया है, चावल दाल और सब्जी, सब्जी आलू बैंगन का बना हुआ है, तो रहने देते हैं खाना पीना। अब थोड़े देर में सब कुछ खाएंगे और उसके बाद हम लोग गांव के लिए निकलेंगे। मम्मी जी से बात हुई तो मम्मी बोली कि अच्छे से सब करके आ जाना तुम लोग। रहने देते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा। सॉरी कि ब्लॉग देखने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मेरा आवाज़ ही नहीं समझ में आ रहा है, बहुत तेज़ बोलने के बाद भी सही से आवाज़ नहीं निकल रहा है, और इसलिए आज से सब कुछ स्टार्ट होएगा और बहुत मज़ा आएगा। आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखना, बहुत अच्छा लगेगा। अब रहने थे इस ब्लॉग को यहीं तक। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा। जाते आते हमारी इंस्टाग्राम आईडी राजमनी से सोचो, आप लोग फॉलो कर लेना। बाय बाय, लव यू।